तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज है 15th of April और हम लोग निकल रहे हैं सोरस द्वीप से और जाएंगे शाहिद द्वीप और नील आइलैंड। और वहाँ पर हम लोग एक नाइट स्टे है, तो वहाँ पर जो आज दिन भर एक्सप्लोर करेंगे और कल फिर हम लोग निकल जाएंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए परसों। तो अभी जो ब्रेकफास्ट करते जल्दी से और निकलते। वो वाला हम लोग का है, वो जो आ रहा है वो हम लोग का है ग्रीन ओशन। ग्रीन ओशन में हम लोग ने लिया था इकोनॉमी क्लास की टिकट्स, जिसका प्राइस पड़ा था अराउंड 1300 और वो लोअर डेक का था जहाँ कोई विंडोज ना होने के कारण आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। और अगर आपको वॉमिटिंग का इश्यूज होता है तो आप अपर डेक में लग्जरी या तो रॉयल के टिकट्स ले सकते हो, जिसका प्राइस पड़ेगा अराउंड 1500 and 1700 रेस्पेक्टिवली। ग्रीन ओशन में एक चीज़ अच्छा है कि आप अपर डेक में जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, जहाँ बाकी फेरीज में जो है आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। साथ में एक स्नैक काउंटर भी है और म्यूजिक भी चलता रहता है, तो आप डांस करते करते कब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पहुँच जाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो वेलकम टू शाहिद द्वीप और नील आइलैंड। और यहाँ का पानी जो इतना ब्लू है, क्या डिस्चार्ज होता है, ज्यादा ही ब्लू है ना, एकदम स्विमिंग पूल जैसा लगा, स्विमिंग पूल है पूरा, बड़ा सा स्विमिंग पूल। नील आइलैंड बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड है, अराउंड 7 किलोमीटर्स के अंदर सारे बीचेस और अट्रैक्शंस आ जाते हैं। और हम लोग का होटल जेटी से कुछ अराउंड 2 किलोमीटर दूरी पर था, जिसका नाम था नील बंजारा। सो पहुंच गए हम लोग अपने होटल पर नील आइलैंड में, इसका नाम है नील बंजारा। और एक बार जो आपको रूम टूर देते, तो ये है रूम। यहाँ पर जो है स्प्लिट एसी नहीं है, विंडो एसी दिया है। और इधर से है एक बाथरूम, अच्छा है, क्लीन है। सो हम लोग का प्लान है कि आज जो है हम लोग स्कूटी नहीं कराएंगे, हम लोग जो सोच रहे कि एक गाड़ी एक रिजर्व कर ले। बहुत ज़्यादा गर्मी है और रास्ता भी यहाँ का जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उबर खबर रोड है, और मन भी नहीं कर रहा है स्कूटी चलाने में इतना गर्मी में जो है। तो एक बंदे से बात किया तो उसने बोला है कि एक आर्टिका गाड़ी देगा 6 सीटर का, तो इसका प्राइस होगा कुछ 1500, जो कि हम लोग को पूरा दिन घुमाएगा, कल सनराइज के लिए भी लेके जाएगा और लास्ट में हम लोग को जेटी में भी ड्रॉप कर देगा। तो उसका प्राइस पड़ा 1500। ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस कुछ ऐसा है। और स्कूटी कराएंगे तो फिर भी 600-600, 1200 फिर पेट्रोल 1400 लग ही जाएगा। इससे सोचे कि हम लोग चलो चार लोग हैं तो आज गाड़ी रिजर्व कर लेते और घूमते। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब एक्सट्रीम गर्मी। जस्ट ए क्विक इन्फॉर्मेशन, नील आइलैंड में जो है नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। लाइक यहाँ पे सिर्फ BSNL ही चलता है और वोडाफोन, जियो, एयरटेल कुछ भी नहीं चलता। तो राइट नाउ हम लोग आए अभी यहाँ पर भारतपुर बीच, और यहाँ पर जो सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, यहाँ पर नील आइलैंड में जितने भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो रहा जेटी, वहीं पर हम लोग आए थे, तो उस साइड से दिख रहा था। और इधर है ये बीच, पानी एकदम नहीं है यहाँ पर, बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको बोट से पानी के लिए। तो शायद वहाँ पर बना हुआ रास्ता ऐसा करके वहाँ पर लेके जाते, वहाँ पर ग्लास बॉटम वाला यहाँ का फेमस है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है बहुत ब्लू है, बहुत क्लियर है, इसलिए जो है अच्छा कॉरल्स और फिश दिखता है। लेकिन हम लोग को करने का मन नहीं था, हम लोग को जो सबमरीन वाला किए थे मुझे लगता है वही वैसा ही लगेगा, लेकिन और 800 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मार्केट भी है बहुत सारे जो शॉपिंग्स के लिए, तो ख़रीदारी भी आप कर सकते हो, शेल्स वगैरह यहाँ पर है ख़रीदने के लिए। और हम लोग जो है वाटर एक्टिविटी कुछ किया नहीं, मन नहीं कर रहा आज करने का, सब कुछ तो हो गया लगभग सारा जो वाटर एक्टिविटीज़ कर चुके हम लोग। तो हम लोग बस अभी जाएंगे लक्ष्मणपुर टू बीच, वहाँ पर जो नेचुरल जो ब्रिज है उसको देखने के लिए। और खाने पीने का भी जो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर, अगर आपको लंच वगैरह करना है तो यहाँ पर कर सकते हो।
भरतपुर बीच से निकलकर हम लोग गए नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि था नेचुरल ब्रिज और वो है लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पर। सो थोड़ा कॉरल से होते हो तो चल के जाना पड़ेगा हम लोग को। कम सो याद है ये कहाँ पे देखा था बोलो? तो आप जो है अच्छे से स्लीपर पहन के आना और पानी में भींग भी सकते हो। सो शूज तो पहन के मत आना या फिर अगर आ रहे हो तो स्लीपर में ही आना क्योंकि कुछ कुछ जगह जो पानी है बहुत ज़्यादा। तो कम रेस को संगू ये सब कॉरल्स है डेड कॉरल्स। कुछ कीड़े भी है यहाँ पे। हाँ कुछ कुछ कीड़े भी है और कॉरल जो चुपता भी है पेड़ पर तो थोड़ा जो है धीरे धीरे आना पड़ता है। बाप रे बाप बहुत हार्ड है लेकिन कॉरल सब। लगभग हम लोग आ गए यहाँ पर जो नेचुरल जो ब्रिज है देख सकते हो ये है रहा जो बहुत पुराना कितनों सालों पुराना जो ये ब्रिज देख सकते हो। आप जो है यहाँ पर पानी के ज़्यादा सामने ना जाए क्योंकि बहुत ही हाई टाइड रहता है वहाँ पर और कभी कभार बहुत ज़ोर से पानी आता है तो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। और आप चाहो तो यहाँ पर गाइड भी हायर कर सकते हो जो आपको यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और फिशेज कॉरल्स के बारे में बताते और कुछ अराउंड 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो हम लोग जो है धूप में तंदूरी हो गए तंदूरी ह्यूमस बन गए हम लोग। इतना ज़्यादा गर्मी मतलब क्या बताएं। और यहाँ पे एकदम शेड भी नहीं कहीं पे जो खड़े होके जो है थोड़ा बैठ पाए। तो हम लोग भाग रहे हैं अभी जा रहे हैं लंच के लिए। तो हम लोग का ड्राइवर जो है वो आएगा अभी 2:10 को उसको बोला आने के लिए। यहाँ पर क्या होता है ना छोटा आइलैंड है गाड़ी भी बहुत लिमिटेड है तो वो लोग जो हम लोग को ड्रॉप करके कोई और ट्रिप के लिए जो चले जाते हैं उनको छोड़ के फिर हम लोग को फिर से लेके लेने के लिए आते हैं। तो वही लोग डुअल ट्रिपल ट्रिप्स करते रहते हैं एट द सेम टाइम क्योंकि गाड़ी बहुत लिमिटेड है छोटा सा आइलैंड है इसलिए जो वही दिक्कत है। अभी जाएंगे वेट करेंगे उसको फ़ोन लगाएंगे 2-3 बार तो आएगा तो टाइम लगता है तो उसमें चलो क्या कर सकते हैं। अब पर स्कूटी सही रहता है स्कूटी में आप अपना खुद से घूम सकते हो बट चलो कोई नहीं। अब इस बार जो बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हम लोगों ने गाड़ी बुक करा लिया। सो राइट नाउ हम लोग आ गए अपने होटल पर और यहीं पर हम लोग कर लेंगे अभी लंच क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट में करने से अच्छा यहाँ पर जो हम लोग होटल में जो है अच्छा खाना मिलता है और बजट में भी है। और फिर जो 4:30 बजे हम लोग जाएंगे लक्ष्मणपुर 1 बीच के लिए और जहाँ पर सनसेट होता है सनसेट व्यू मिलता है। टायर्ड चाबी तुम्हारे पास है ना? तो चाबी मेरे पास है चलो। सो फिर 4:30 बजे निकलेंगे अभी आप लोग के पास 2-2.5 घंटे है और रेस्ट करते हैं खाना खा कर फिर निकलेंगे शाम को। सो राइट नाउ इज 4:45 इन द इवनिंग और हम लोग आ गए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 और सनसेट व्यू के लिए। सनसेट उस साइड होता है तो थोड़ा बीच में जो होता है चल के उससे लेफ्ट की तरफ जाना पड़ता है। सो आगे से जाते ही थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा बीच में तो वो जगह है सनसेट एरिया है। नील आइलैंड के सारे बीचेस जो है बहुत ही सुंदर और क्लीन है। आपको ब्लू वाटर वाइट सैंड के कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे लगेंगे और लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 में ज़्यादातर लोग इवनिंग के टाइम जाते हैं सनसेट को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर जो बैठने के लिए जगह भी है और यहाँ पर जो खाने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें हैं लाइक छोटे छोटे दुकान है स्टॉल्स चाय मैगी खाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो ऐसा छोटे छोटे टेबल भी लगा दिया बैठ के जो स्नैक्स वगैरह करने के लिए बीच साइड ऐसा करके आप बैठ के जो एंजॉय कर सको सनसेट का। और देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन में जो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सनसेट का मज़ा ले रहे हैं सब लोग। लुक एट दिस एंटायर प्लेस नाउ। सब लोग जो हम लोग का टाइम लगा स्पॉइल करते हुए देख सकते हो। सो आप ये वाला टाइम लॉस एंजॉय करो आप।
करते हैं हम लोग अभी चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा विद सनसेट। वाओ। और अगर आप चाहो तो ऐसा कैंडल डिनर भी एंजॉय कर सकते हो, ऐसा बैठ के बीच के सामने बैठ के आप रोमांटिक एम्बियंस के साथ। अच्छा है, अच्छा सेटअप है लेकिन। हाँ एकदम सामने, और पानी का फ्लो जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे करके।